हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे इस वीडियो में हीरो एक्सट्रीम 125 आर का कंपैरिजन हीरो कंपनी के ग्लैमर 125 करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इन दोनों में कंफ्यूज हैं कौन सा लेना चाहिए। दोनों ही सेम कंपनी की है, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस मिल जाता है। दोनों 125 सीसी में आती है, हालांकि दोनों अलग अलग सेगमेंट में आती है, तो किसको कौन सा लेना चाहिए इस वीडियो को देखने बाद खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर लिबारा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, कौन कौन से वेरियंट मिल जाती है। अगर आप हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 125 आर लेते हैं तो इसमें आपको दो वेरियंट IBS और ABS के साथ मिल जाती है, जहाँ पे आपको कोबाल्ट ब्लू, फायर स्टॉर्म रेड और स्टेलियन ब्लैक तीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप हीरो कंपनी की ग्लैमर 125 लेते हैं तो इसमें आपको एक्सटेक मॉडल में चार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे नेक्सस ब्लू, ग्लॉसी ब्लैक, मैट एक्सेस ग्रे और आपको कैंडी ब्लेसिंग रेड देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा का ऑप्शन ग्लैमर में दिया गया, बाकी जो लुक और डिजाइनिंग है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सट्रीम 125 आर लॉन्च हुई है, परफॉर्मेंस सेगमेंट में लॉन्च हुई है, तो ये थोड़े से स्पोर्टी लुक के साथ मिल जाती है, जहाँ पे इसका हेडलैम्प लुक देख सकते हैं। इसके अलावा साइड से भी इसका लुक देख सकते हैं, मस्कुलर टैंक मिल जाता है, स्प्लिट सीट दी गई है, साथ स्प्लिट ग्रैबलर भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट सिस्टम की डिजाइन देख सकते हैं, रियर हगर दिया गया है, नीचे इंजन कॉल भी मिल जाता है। तो इस लुक के साथ आपको यहाँ पे एक्सट्रीम 125 आर मिल जाएगी। लेकिन जो ग्लैमर है इसके भी लुक यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो हेडलैम्प लुक है ये देख सकते हैं, यहाँ पे एच शेप का आपको DRS मिल जाती है, बाकी ये थोड़ा सा कम आपको स्पोर्टी सेगमेंट मिलेगी, क्योंकि डेली कम्यूट के लिए फैमिली वाले लोग भी ज़्यादा इसे खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पीस की सीट मिल जाती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होगा अगर ज़्यादा भी एज के लोग हैं, बाकी स्प्लिट सीट दी गई है। इसके अलावा रियर अगर यहाँ पे भी दिया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम थोड़े से अलग डिजाइनिंग के साथ मिल जाती है, इसमें आपको इंजन कॉल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम स्पोर्टी लुक देती है। तो लुक वाइज आपको जो बेहतर लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए जो कि थोड़ा सा आपको स्पोर्टी लुक के साथ मिल जाए, हीरो एक्सट्रीम 125 आर के साथ जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंजन पावर की बात कर लेते हैं, अगर आप हीरो एक्सट्रीम 125 आर लेते हैं तो इसमें आपको 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। लेकिन वहीं ग्लैमर लेते हैं तो इसमें आपको 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। दोनों 125 सीसी में आती है, लेकिन जो एक्सट्रीम 125 आ रहा है इसका इंजन 8250 आरपीएम पर 11.55 पीएस का पावर, जबकि 6000 आरपीएम पर 10.5 एनएम का टॉर्क जन करती है। लेकिन वहीं अगर आप ग्लैमर लेते हैं इसका जो इंजन है 7500 आरपीएम पर 10.84 पीएस का पावर, जबकि 6000 आरपीएम पर 10.6 एनएम का टॉर्क जन करती है। दोनों 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, साथ ही दोनों में आपको किक और सेल्फ स्टार्टर भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों 125 सीसी में आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पावर अगर आप देखेंगे तो हीरो एक्सट्रीम 125 आर में थोड़े से ज्यादा आपको पावरफुल इंजन मिल जाता है, देख सकते हैं पावर ज्यादा जनरेट करती है। लेकिन कहीं कहीं जो यहाँ पे टॉर्क है वो ग्लैमर की यहाँ पे बेहतर देखने को मिल रही है। तो अगर ज्यादा पावरफुल इंजन वाली बाइक चाहिए तो ऐसे में आप एक्सट्रीम के साथ जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप दोनों का पावर फिगर देख भी सकते हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अंतर मिल जाएगा, क्योंकि जो एक्सट्रीम 125 आर है इसके फ्रंट में 37mm कन्वेंशनल फॉर्क यानी टेलीस्कोपिक और रियर के साइड हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर विद 7 स्टेप प्रीलोड मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। लेकिन जो ग्लैमर है इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर के साइड 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सस्पेंशन सेटअप है यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा, जो रियर का सस्पेंशन है वो आपको एक्सट्रीम में मोनोशॉक मिल जाता है, कहीं ना कहीं ग्लैमर के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये परफॉर्मेंस सेगमेंट की है तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन भी अलग मिल जाता है। बाकी टायर साइज की अगर बात करें तो एक्सट्रीम 125 आर के फ्रंट में 90x90 का 17 इंच और रियर में 120x80 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। लेकिन ग्लैमर लेते हैं तो इसके फ्रंट में 80x100 का 18 इंच और रियर में 100x80 का 18 इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। तो टायर साइज भी आपको एक्सट्रीम में थोड़े से चौड़े मिल जाते हैं। बाकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है एक्सट्रीम में आपको 276mm का डिस्क ब्रेक ABS वेरिएंट में और 240mm का डिस्क ब्रेक इसके IBS वेरिएंट मिलेगा, साथ ही इसके रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन ग्लैमर लेते हैं तो इसके फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे एक्सट्रीम में ऑप्शनल जो मिलता है ABS में वो थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स वाइज कौन सी बेहतर है, किस में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप एक्सट्रीम 125 आर लेते हैं तो इसमें आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और सिंगल चैनल का ABS आपको मिल जाता है। लेकिन वहीं ग्लैमर लेंगे तो इसमें आपको केवल IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। साथ ही हीरो एक्सट्रीम में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED पोजीशन लैम्प मिल जाएगा, नए डिजाइन की देख सकते हैं, जहाँ पे LED टेडलैम्प भी दिया गया, विंकल साइड भी दिया गया। वहीं ग्लैमर लेते हैं तो इसमें भी आपको LED हेडलैम्प के साथ एच शेप का LED DRS देखने को मिल जाती है, तो दोनों LED लाइट के साथ मिल जाती है। बाकी हीरो एक्सट्रीम 125 आर में आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आती है, यहाँ पे स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, ट्रिप सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप ग्लैमर लेते हैं तो इसमें आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, ये भी कनेक्टिविटी फीचर के साथ आती है। लेकिन इसके अलावा इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर देखने को मिल जाता है और भी जितनी जरूरत की इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले की जो डिजाइनिंग है वो दोनों में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिल जाएगा। बाकी हीरो एक्सट्रीम 125 आर में आपको स्प्लिट सीट
स्प्लिट ग्रेबरेल के साथ देखने को मिल जाती है, रियर हगर भी लगा हुआ है। लेकिन ग्लैमर लेते हैं तो इसमें आपको सिंगल पीस की सीट मिलती है, यहाँ पे पीछे स्प्लिट ग्रेबरेल दिया गया है, पीछे रियर हगर भी लगा हुआ है। इसके अलावा हीरो ग्लैमर में आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो फीचर्स वाइज ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। बाकी इनके माइलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हीरो एक्सी 125 आ रहा है, कंपनी क्लेम कर रही है 66 एमपीएल तक माइलेज मिल जाएगी। तो ऐसे में ग्लैमर में भी आपको 66 एमपीएल के आसपास माइलेज मिल जाएगी क्योंकि सेम इंजन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो ग्लैमर में आपको थोड़े से ज्यादा ही माइलेज मिलेगी एक्सट्रीम के मुकाबले में जब इसको ट्रैफिक में चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल है। तो इसको भी अगर आप इको मोड में चलाएंगे तो अच्छी माइलेज मिलेगी, बाकी अगर आप ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ चलाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें माइलेज ग्लैमर के मुकाबले में थोड़ा सा कम मिलेगी। वहीं की कुछ डायमेंशन की अगर बात करें तो एक्सट्रीम 125 आर का जो लेंथ है 2009 mm, 793 mm, हाइट 1051 mm, एलिवेस 1319 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सीट हाइट 794 mm, फ्यूल टैंक 10 लीटर्स का जो कर वेट है 136 kg है। लेकिन अगर आप हीरो ग्लैमर एक्सट्रैक लेते हैं इसका लेंथ 2051 mm, V743 mm, हाइट 1074 mm, व्हील बेस 1273 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सीट हाइट 798 mm, फ्यूल टैंक 10 लीटर्स का जो कर वेट है 122 kg और 123 kg है। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग दोनों में सिमिलर मिल जाती है। सीट हाइट हालांकि यहाँ पे एक्सट्रीम की थोड़ी सी कम है और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की आपको ग्लैमर मिल जाएगी। तो डायमेंशंस में ये सारे आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी मेन बात आती है प्राइसिंग की, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है। तो अगर आप हीरो कंपनी की एक्सट्रीम लेते हैं तो इसका एक्सट्रीम दिल्ली में प्राइस IBS वेरियंट के साथ 95,000 rupees यानी 95,000 rupees तक है। वहीं ABS के साथ लेते हैं तो एक्सट्रीम प्राइस 99,500 यानी कि 99,500 rupees तक है। इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में IBS वेरियंट के साथ 111,500 यानी कि 1,11,500 rupees के आसपास मिल जाएगी। लेकिन ABS के साथ लेते हैं तो 116,000 यानी कि 1,16,000 के आसपास ये ऑन रोड दिल्ली में मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप हीरो कंपनी की ग्लैमर लेते हैं तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिल जाता है। एक्सट्रैक मॉडल में अगर आप इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेते हैं एक्सट्रीम प्राइस 87,748 यानी 87,748 rupees तक है। वहीं डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ 92,348 यानी कि 92,348 rupees तक एक्सट्रीम प्राइस है। बाकी इनकी ऑनरोड प्राइस की अगर बात करें तो ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ प्रॉक्स 1,03,500 यानी 1,03,500 rupees के आसपास मिल जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक के साथ लेते हैं तो 1,08,600 यानी कि 1,08,600 के आसपास मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइसिंग अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लैमर आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जा रही है, लगभग आपको 7,000-8,000 rupees तक सस्ती मिल जाएगी एक्सट्रीम के मुकाबले में, क्योंकि इनके बेस वेरियंट के प्राइस में भी देख सकते हैं लगभग 7,200 के आसपास यहाँ पे कम प्राइसिंग देखने को मिल जाता है। बाकी टॉप मॉडल से भी कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे आपको 7,200 के आसपास यहाँ प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल जाती है। तो ये देखा जाए तो अगर आपको परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए, अगर आप कॉलेज जाने जाने के लिए कोई बाइक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो ऐसे में एक्सट्रीम 125R आपकी पसंद बन सकती है। आप 7,000-8,000 rupees तक एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं एक्सट्रीम के ऊपर अगर आपको इसकी लुक और परफॉर्मेंस पसंद आ रही है। बाकी अगर आप फैमिली वाले लोग हैं और फैमिली वाले कोई बाइक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो ऐसे में आपके लिए ग्लैमर बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पीस की सीट मिल जाती है तो आराम से लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं। कहीं ना कहीं स्प्लिट सीट वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी ओवरऑल अगर आपको जो पसंद आए ले सकते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद हो सकती है। आपकी क्या पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जितने भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे दिया है, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहीं जो हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 125 आ रहा है आपके नजदीकी शोरूम पे 20 फरवरी तक अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हीरो कंपनी का ग्लैमर चाहिए तो अभी अपने नजदीकी शोरूम पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपका कोई दोस्त हीरो कंपनी की 125cc में कोई बाइक खरीदने के लिए सोच रहा होगा तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।